हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड पार्ट मैग्नीफिकेशन, जिसको स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। कंसीडर ए मैप W इज इक्वल्स टू ए जेड वेयर ए इज रियल नंबर, देन द ट्रांसफॉर्मेशन is known as magnification in this transformation. The two figure in Z plane and W plane are similar, but the figure in W plane is a times of फिगर ऑफ जेड प्लेन। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यदि कोई फंक्शन W इज इक्वल्स टू ए जेड दिया जाए, चाहे जहाँ पर a की एक रियल वैल्यू, एक रियल नंबर हो, 1, 2, 3 या 1/2 समथिंग, कुछ भी हो सकता है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन मतलब जूम भी किया जा सकता है किसी भी फिगर को, या इसको स्मॉल छोटा भी किया जा सकता है। यहाँ पर जेड प्लेन में बनने वाला फिगर एंड डब्ल्यू प्लेन में जो ट्रांसफॉर्म होकर फिगर बनेगा, दोनों ही सिमिलर होंगे, एक जैसे दिखेंगे, लेकिन एक जो डब्ल्यू प्लेन वाला फिगर होगा वो बड़ा हो सकता है या ए टाइम्स छोटा हो सकता है। तो इसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू 2z। यहाँ पर 2 एक ही जगह है, एक रियल नंबर है। टू डिटरमाइन द रीजन R डैश इन W प्लेन, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगुलर रीजन R बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1 इन Z प्लेन। तो Z प्लेन पर x इक्वल टू 0 लाइन बनानी है, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1 से जो रीजन, ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, और उसको जब हम W प्लेन पर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वह जो बनने वाला रीजन है वो 2 टाइम्स होगा इन W प्लेन। तो इसको हम, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। गिवन द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 2z, Z की वैल्यू लगा देंगे 2x प्लस iy एंड W की वैल्यू u प्लस iv लगाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल्स टू 2x एंड v इज इक्वल्स टू 2y। व्हेन x इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, देन v इज इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड लाइन है x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, देन x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 है, तो ऐड कर देते हैं u प्लस v इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस y। तो x प्लस y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 तो मिलेगा 2। दिस इम्प्लाइज दैट u प्लस v इज इक्वल्स टू 2। लिखते हैं द रिक्वायर्ड इमेज is a triangle in R dash bounded by the lines u is equals to 0, v is equals to 0
दोनों को ही यहाँ पर x इक्वल टू ज़ीरो पुट किया है तो u इक्वल टू ज़ीरो आया है और y इज इक्वल टू ज़ीरो पर v इज इक्वल टू ज़ीरो आया है। एंड v प्लस u इज इक्वल टू टू, या u प्लस v इज इक्वल टू टू कहा जा सकता है इन w प्लेन। corresponding to the triangular region are bounded by x equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 1 in z plane। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हम दो प्लेन बना लेते हैं, एक है जेड प्लेन और दूसरा है डब्ल्यू प्लेन। तो जेड प्लेन को हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन है वाई इक्वल एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा एंड इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरा है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा एंड एक्स इक्वल टू ज़ीरो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरी लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। तो ये ट्रायंगुलर रीजन यहां पर ट्रायंगुलर रीजन ए बी ओ है। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? डब्ल्यू इज इक्वल टू टू जेड से। तो इसके लिए जेड प्लेन में हमें क्या क्या वैल्यूज मिली हैं? यू इज इक्वल टू जीरो, वी इज इक्वल टू जीरो एंड v प्लस यू इज इक्वल टू टू। तो u इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये v एक्सिस होगी, u इज इक्वल टू ज़ीरो और v इज इक्वल टू ज़ीरो ये u एक्सिस होगी। दूसरा है, थर्ड है v प्लस यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर v प्लस यू इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो इसका v प्लस यू इज इक्वल टू टू लेंगे तो यहाँ पर v इज इक्वल टू जब ज़ीरो होगा तो u की वैल्यू टू हो जाएगी और जब u इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो v की वैल्यू टू हो जाएगी। तो इस मतलब है पहले पॉइंट मिलेगा 2,0 फिर 0,2, तो 2,0 अगर 1 यहाँ पर है देन 2 यहाँ पर है z प्लेन में। तो ये लाइन हमको मिलेगी u प्लस v इज इक्वल टू टू। और जो रीज़न होगा वो w प्लेन में ये शेडेड पोर्शन है जो कि 2 टाइम्स ऑफ z प्लेन है। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि ये 2 टाइम्स है z प्लेन का। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा और इसके साथ ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड पार्ट मैग्नीफिकेशन समझ आया होगा। तो मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।